हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कमलेश शर्मा। आई वेलकम यू इन द मॉडर्न एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास सिक्स लेसन नंबर थ्री ऑफ योर बुक हनीसकल। लेसन नंबर थ्री ऑफ क्लास सिक्स, द बुक नेम इज हनीसकल। लेसन थ्री, एज यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, द लेसन नेम इज टैरोज रिवार्ड। टैरोज कौन था? टैरो एक लड़का था जिसका नाम टैरो था, और वो जंगल में अपने मम्मी पापा के पास रहता था। और वो क्या करता था? लकड़ियाँ काटने का जंगल में काम करता था। बहुत मेहनत करता था। लेकिन बहुत कम कमा पाता था। लेकिन ऐसा कमाने के बाद में उसको बहुत दुख होता था, क्योंकि वो अपने पापा मम्मी के लिए बहुत कम कर पाता था। यानी बहुत कम ऐसा वो था कि अपने पापा के लिए वो कर पाता था। अपने मम्मी पापा के लिए वो सोचता रहता था कि अपने पापा मम्मी की ज़रूरत वो कैसे फील कर पाए। एक शाम वो जंगल वो बैठा हुआ था एक कॉर्नर में, और घर पर ही बैठा हुआ था। तेज़ हवा चली तो तेज़ हवा से झोपड़ी से होते हुए वो हवा जो है वो बहुत तेज़ ठंड जो है वो फील करा गई सभी को। तो टैरो के पापा ने कहा कि मेरी काश एक उम्मीद थी कि मैं सेक का एक कप पी पाता। ये सेक क्या है? सेक जो है गर्म पानी है जो वहाँ पर चाइना और इन कंट्रीज़ में पिया जाता है, जापानीज़ इन कंट्रीज़ जापान में इनमें तो ये वहाँ पर पीते हैं। तो एक ऐसा सेक है जो गर्म पानी का होता है, जो थोड़ा सा गर्मी का एहसास कराता है। तो उसके पापा बोलते हैं शायद काश अगर मुझे ऐसा मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता। इस वजह से टैरो जो है वो बहुत उदास हो गया कि ये तो बहुत उसके दुखने वाली, दिल को दुखाने वाली बात हो गई कि पापा को कैसे दिलाऊँ मैं, और ये बहुत महंगा भी था। तो अब उसके लिए परेशानी ये थी कि वो कैसे खरीदे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कमाना पड़ेगा। अब कैसे वो अपने पापा के लिए सब ला सकता था? तो ये बहुत सोच रहा था वो अपने पापा के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करा बच्चों? वो जल्दी उठ करके और जंगल चल दिया लकड़ियाँ काटने के लिए। वो बहुत लकड़ियाँ काटता रहा, और जब उसको गर्मी लगी तो उसने जैकेट उतार दिया। फिर अब उसको बच्चों क्या हुआ, उसको बहुत प्यास लग रही थी। उसका पूरा जो है पूरा फेस जो पसीने से तरबतर था, और उसका मुँह जो था अंदर से, माउथ जो था, इट वॉज़ फीलिंग लाइक द ड्रिंक वाटर। उसको नीड थी कि वो पानी पिए। फिर भी वो सोच रहा है कि मेरे प्यारे पापा, लेकिन अब ही वॉज एज़ वार्म एज आई, कि मेरे पापा को सारी खुशियाँ मिले। और अब वो पहले से ज़्यादा तेज़ लकड़ियाँ काटने लगा ताकि और ज़्यादा वो मनी कमा सके, एंड द ओल्ड मैंस बोन की अपने पापा मम्मी के लिए। सडनली टैरो जो है वो रुक जाता है। उसको लकड़ी काटते वक्त कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि क्या हुआ। तभी वो सुनता है तो उसको पॉसिबली ऐसा लगता है कि कुछ पानी के बहने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। और टैरो जो है वो उस आवाज़ को और कभी भी बहते हुए पानी को उसने देखा नहीं था, और ना ही उस आवाज़ को कभी उसने सुना था। लेकिन वो प्यासा था तो उसने अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रखा, और वो पानी की बहती हुई आवाज़ की उस डायरेक्शन में चला गया। टैरो जो है वो बहुत ही देखता है कि एक सुंदर झरना जो है वो चट्टान के पीछे से, रॉक के पीछे से बह रही थी। तो वो घुटने के बल पर बैठ कर जब उसने देखा अपने हाथों को यूँ कप बना करके, और बना करके जब वो पीने लगा पानी को, और उसने जब देखा तो क्या ये वो पानी था? तो वास्तव में उसने देखा ये तो सेक था। बार बार जब उसने टेस्ट किया तो उसको तो बहुत प्यारा लगा कि ये तो ठंडा पानी होने के बजाय सेक था जो उसके पापा ने डिमांड की थी। टैरो क्या करा, तुरंत घड़े को लाया जो अपने घर से अपने साथ लेकर आया था, उसको भर लेता है और बहुत ही खुश होता है कि उसको सेक मिल गया था। तो वो क्या करता है, पीने के बाद खुश हो जाता है। और जब वो गया तो वो पीने के बाद में उसकी कपकपी जो थी वो कम हो गई, और वहीं पर वो नाचने लग गया। ठीक है, तो वहाँ पर ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड ही डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। वो फर्श पर नाचने लग जाता है खुशी के मारे। उस आफ्टरनून एक पड़ोसन जो है वो उसके घर पर आती है, टैरो के घर पर। टैरो के पिताजी जो है पोलाइटली उसको कप ऑफ सेक ऑफर कर देते हैं, और वो लेडी जो है वो पीती है और थैंक्स करती है उसके पापा को, टैरो के पिता को। टैरो के पिताजी दे देते हैं, लेकिन टैरो बताता है उसे मैजिक फाउंटेन की कहानी, कि भी ऐसा ऐसा था और मैं वहाँ पर झरने पर गया था और मुझे ये डिलीशियस ड्रिंक मिली। वो जल्दबाजी में वहाँ से निकली और उसने पूरे गांव में ये खबर फैला दी। अब उस इवनिंग क्या हुआ कि एक बहुत लंबा जुलूस जो है वो वुड कटर के घर पर आया, और हर आदमी और उस महिला ने वो कहानी सुनी, और एक एक घूंट जो है वो पी सबने, और एक घंटे के अंदर वो घड़ा जो था वो खाली हो गया। खाली होने के बाद में क्या हुआ, अगली सुबह टैरो जो है वो अपने काम के लिए, जैसा कि वो हमेशा जाता ही था, अब वो काम के लिए जाने लगा। तो उसने देखा कि विथ हिम द लार्जेस्ट, उसने अपने बड़े साथ बहुत बड़ा घड़ा ले लिया कि आते टाइम मैं वापस सेक लेते हुए आऊँगा। अब वो जैसे वहाँ पहुँचा तो बहुत सरप्राइज़ की बात क्या थी कि बहुत सारे पड़ोसी अपने साथ जार वगैरह और बकेट, बाल्टी, पिचर, घड़े सब लेकर आए थे। लेकिन वो सब भरने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से एक विलेजर जो है वो नीचे झुका
और पीने के लिए वहाँ पर वाटरफॉल पर, और जब वो बार बार पिया तो वो चिल्लाया गुस्से से कि नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं है ये सिर्फ पानी है। और दूसरा बोला कि बट देर वॉज नो सेक, कोई सेक नहीं है, ये तो सिर्फ ठंडा पानी है, ऐसा कुछ नहीं है। और वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें धोखा दिया गया है, शाउटेड द विलेजर, गांव वाले जो हैं बोलते हैं कि टैरो कहाँ पर है, ढूंढो उसको, हम उसे इसी झरने में डुबो कर मार देंगे। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड, टैरो जो है वो इतना बुद्धिमान निकला कि उसने चट्टान के पीछे अपने आप को छिपा लिया। और अब वो जब उसे कोई देख नहीं सकता था तो अब वो छुप गया था और ऐसी जगह जहाँ उसे कोई ढूंढ नहीं सकता था। सभी गाँव वाले जो है मटरिंग, गुस्से में बड़बड़ाते हुए और निराशा में सभी गाँव वाले चले गए एक एक करके। फिर टैरो बाहर आया उस जगह से छिपा हुआ और वो आश्चर्यचकित था कि सच क्या है, चलो पता करते हैं। फिर वो वापस गया कि क्या ये सेक जो है मेरा सपना तो नहीं है, कहीं मैं सपने में जी रहा हूँ। तो वो गया, उसने थोड़ा सा वापस कप बनाया अपने हाथों में और थोड़ा सा लिक्विड ने हाथ लिया तो उसने देखा ये तो मैजिक वाटरफॉल था, वापस वही सेक था। और इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, गाँव वालों को तो ये क्या लग रहा था, ठंडा पानी, और उसे सेक लग रहा था। अब समस्या कहाँ आ रही थी, कि समस्या ये थी कि आगे का जो अपन पढ़ते हैं वो ये था मेरे बच्चों कि अब उसमें कम्प्लीटली अपन ये समझें कि जो टैरो था, ये स्टोरी ऑफ टैरो जो थी वो मैजिक वाटरफॉल वो जापान के एम्परर के पास पहुंची और ही सेंड फॉर द यंग वुड कटर, उसे बुलाया गया वुड कटर को और उसे 20 पीसेज ऑफ गोल्ड कॉइन सिक्के दिए, सोने के 20, और उसे इतना अच्छा होने के लिए, थैंकफुल होने के लिए, और राजा ने उसे थैंक यू कहा और उस फाउंटेन का नाम क्या कर दिया, उस शहर में टैरो कर दिया, उस फाउंटेन का नाम क्या कर दिया, टैरो। और उस सिटी में सभी उस फाउंटेन को टैरो नाम से जानने लगे। और क्योंकि अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो जो झरने का जो पानी था, जो सेक था, वो गर्म वाटर, हॉट वाटर जो था वो केवल टैरो को ही मिलता था, किसी और को नहीं मिलता था। क्योंकि टैरो जो था वो अपने फादर मदर के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल था, अपने पापा मम्मी के लिए, मदर फादर के लिए बहुत केयरफुल था। तो वो केवल सेक जो था, और सेक वाटर जो था वो केवल टैरो को ही मिलता था, बाकी को नहीं मिलता था। तो गाँव वालों को इसलिए वो ठंडा पानी मिला और टैरो को वापस वही सेक मिला। सो इनके लिए एम्परर ने ऐसा इसलिए किया कि उसका फाउंटेन का नेम टैरो इसलिए रख दिया कि सभी बच्चे जो हैं उनको ये एनकरेजमेंट मिल सके कि वो अपने मदर का और अपने फादर का, यानी पेरेंट्स का वो ध्यान रख सके, तो एनकरेजमेंट मिले। तो ये थी ये स्टोरी, किसकी स्टोरी, एक ग्रेट ऐसे बच्चे की, एक ऐसे महान व्यक्ति की जो हम कह सकते हैं अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखता था, टैरोज रिवार्ड। एक टैरो अपने बहुत ही ऑबिडेंट एक बच्चा होता है और बच्चा वो जो बाद में बड़ा होता है तो अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे को पिक्चर में दिखाया गया है कि वो बड़े होकर के अपने पेरेंट्स की बहुत सेवा करता है। सो हमें भी टैरो जैसे बनने की ज़रूरत है और टैरो जैसा ही हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। सो माई डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर एट योर होम, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच माई डियर वन।